साइबर फ्रॉड का एक और मामला सामने आता है। लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि अलग अलग पैंतरे आजमा के ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, ये जो ठग होते हैं, ये कैसे साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। हमेशा जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन आज आपको बताती हूँ कि ये जो आप शख्स देख सकते हैं, इनके साथ कैसे साइबर ठगी होती है। इनका नाम जोगिंदर है, एक ड्राइवर के तौर पर ये नौकरी करते हैं। अब आप पीछे यूनियन बैंक देख सकते हैं, जो करनाल के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित है। तो यहीं पे ये 22 जुलाई यानी कि अब से कुछ 4 दिन पहले आए थे 33,000 रुपये लेके। इनके पास कैश था और इनको था कि मुझे अपने बैंक में पेमेंट डिपॉजिट करवानी है, इतना कैश नहीं रखना। तो यहाँ पे ये जो है मैम के पास जाते हैं, जो यहाँ पे अकाउंटेंट हैं बैंक में, और उनसे बातचीत करते हैं। तो इतने में एक व्यक्ति जो इन्हीं की तरह यहाँ पे शायद एज कस्टमर आया हुआ था, वो इनको बोलता है कि मुझे जो है कैश की ज़रूरत है, मेरे को आप 25,000 रुपये दे दो, मैं 25,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इनको लगता है, विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ ही है, अगर मैं इसको बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा तो शायद ये पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इन्होंने 33 में से 8,000 रुपये जो है बैंक में बोले डिपॉजिट कराने के लिए, उनको कैश दिया जो इनके बैंक अकाउंट में आ गया। और वो जो व्यक्ति था उसको 25,000 रुपये कैश दिया। इन्होंने उसको अकाउंट नंबर भी बताया, IFSC कोड भी बताया, और उसके बाद उसने बोला कि अभी कुछ ही देर में आपको पेमेंट आएगी, और तब तक पेमेंट नहीं आई। उसके बाद जो बैंक की अकाउंटेंट है वहाँ पे, जो मैम है, उनको इन्होंने बोला कि अभी तक पेमेंट नहीं आई। तो उन्होंने कहा अभी 2 घंटे लगेंगे पेमेंट अपडेट होने में। लेकिन अब आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि 22 जुलाई की डेट है, आज होगी है 26, तो मतलब इतने दिन हो चुके हैं, तो अभी तक अगर इनको पेमेंट नहीं आई है तो अब इनको जो है टेंशन होने लगती है। जिसके बाद ये FIR भी कराते हैं साइबर थाने में जाके, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कार्रवाई इनको नहीं हो रही है। तो जिसके बाद इन्होंने हमारी मदद ली है, एक बार इनसे बात करेंगे। तो जोगिंदर जी, एक बार पूरा बताइए, हुआ क्या था 22 को? मैं पैसे डिपॉजिट कराने आया था 33,000 रुपये। वो काउंटर के पास से मेरे पास आया, बोलने लगा भी मेरे पास चेक नहीं है, मैं तेरे को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तू मैं तेरे खाते में डाल देता हूँ, तू मेरे को नगद दे दे। वो गूगल पे करने लगा, गूगल पे हुए नहीं जी, गूगल पे हुए नहीं। तो वो कहने लगा मैं आपके अकाउंट में, क्या बोला, गूगल पे का सर्वर डाउन था। वो कहने लगा मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। मैंने कहा कर दे। उसने मेरे को सक्सेसफुल भी दिखाया, वो अभी तक पैसे नहीं आए। वो अकाउंटेंट मैडम के पास मेरे को लेके गया जी, और मैडम कहने लगी भी 2 घंटे में आ जाएंगे। मैंने सोचा बैंक के कर्मचारी होगा कोई आ जाएंगे, तो मैंने उसको पैसे दे दिए, और अब तक पैसे नहीं आए। और बंदा फ़ोन भी उठा रहा है जी, रोज गोलीबाजी कर रहा है, पैसे अब तक आए नहीं। मैं क्या बोलता है जब आप फोन करते हैं? भाई डाल दिया मैंने तेरे खाते में, चेक कर ले। एक बार फोन करे उस व्यक्ति को, अभी फोन मेरा फोन नहीं उठाएगा जी, और मेरे को दे दो, मैं कर देती हूँ। एक बार हम उस व्यक्ति को फोन करके देखते हैं कि आखिर वो क्या बोलता है, उससे एक बार बातचीत करते हैं। हाँ, आप एक बार नंबर बता दीजिए मेरे को, क्या नंबर है? 9787801 801 1122 82। ठीक है जी। क्या नाम क्या बताया था इन्होंने अपना? कभी नाम चेंज कर करके बता रहा मैम ये। अभी रिसेंट में क्या नाम बताया? लविश। एक ही नंबर था? ये तो नहीं उठा रहे हैं फोन। अंदर बैंक में तो जब आपके साथ फ्रॉड हुआ उसके बाद भी इन्होंने फोन उठाया है ना? कई बार आपका फोन तो उठाया, अभी भी 10 मिनट पहले भी बात हुई है। तो एक बार आप अपने नंबर से कॉल कीजिए, उसी से बात करके देखते हैं, क्योंकि अननोन नंबर से तो देखिए उन्होंने फोन नहीं उठाया है। हालांकि 25,000 रुपये की ठगी जो है वो जोगिंदर जी के साथ हो गई है। एक बार इनके फोन से कॉल ट्राई करके देखते हैं। हेलो, लविश जी बात कर रहे हैं? लविश जी, ये जोगिंदर जी से उस दिन आपने 25,000 रुपये नगद लिए थे? मैं भव्या बात कर रही हूँ करनाल ब्रेकिंग न्यूज से। तो आपने वो पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं किए इनको? हाँ जी, 25,000 रुपये यूनियन बैंक में आपने इनसे कैश लिया था? जी, तो आपने ट्रांसफर नहीं किया अभी तक? तो आपकी बात हुई है इनसे उसके बाद? तो ये कह रहे हैं अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई। आज होगी रिसीव, 4 दिन बाद।
चलो ठीक है, देखते हैं अगर होती है पेमेंट रिसीव। आप एक काम करो, यहीं आ जाओ यूनियन बैंक के बाहर ही। अच्छा देखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं, आप पेमेंट ज़रूर रिसीव कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने पुलिस में भी शिकायत दे दी है और हमारे पास भी पहुँचे हैं मदद के लिए। सर वो कह रहे हैं कि देखिए 3 दिन हो चुके हैं और बैंक में भी इनको बोला गया था 2 घंटे में पेमेंट आएगी। बैंक डिटेल वगैरह कुछ बता रहे किससे करें, किससे बैंक डिटेल्स दी हैं आपने इनको अपनी? बैंक डिटेल्स वगैरह किससे आप ट्रांसफर कर? आप एक काम करो सर, यहीं आ जाओ एक बार। देखिए अगर आप पेमेंट दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। ठीक है, ओके। आप लीगल एक्शन से ये क्या बोल रहे हैं, पेमेंट हुई नहीं है अभी, लगाई नहीं मैंने कहा। बार बार सिर्फ यही बार बात हो रही है कि पेमेंट कर दिया, मैडम ये क्या होता है, मुझे भी दे रहा है, मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी है। सर आपकी रिकॉर्डिंग भी है इनके पास, तो सब कुछ है, बैंक का सीसीटीवी भी है। तो मतलब आप, मतलब आप कह रहे हो कि पैसे आए ही नहीं है? वो कह रहे हैं मैं पेमेंट करा चुका हूँ, आज आपके पास पेमेंट आएगी। तो आप एक काम कर दो, कोई स्क्रीनशॉट ही भेज दो जिससे पता चल जाए। हाँ जी आप इनसे पूछो बैंक क्या, तो कौन सा बैंक, ये मुझे लग नहीं रहा इसने पेमेंट वापस करनी है। सुनो मैंने इसको रिकॉर्डिंग करी थी, क्या सुन, मुझसे भी बहुत बदतमीजी से बात की। हाँ जी भाई, भाई वहाँ तेरे वेंट कर रहे हैं यार, भाई भेज रख जाओ। अरे भाई मैं वहाँ थोड़ी हूँ, मेरे पास तो भाई मेरी बात सुन ले, तेरी करूँगा कंप्लेंट तो दे रहा गोली, समझ गया बात, बहुत हो गया भाई। कब बात हुई ये थोड़ी होकर तू गोली दे बार बार यार, आज ही की स्टेटमेंट पड़ी है तो और आज बोल रहे कि मैं 8 घंटे दूर हूँ, मैं आ नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि हाँ वही टालने वाली बात है, बोल रहे मैंने तो पेमेंट कब की कराई हुई है, पहुँच जाएगी आज पहुँच जाएगी। तो मुझे लगता है आपको लीगल एक्शन भी लेना चाहिए, ऑलरेडी आपने 3 से 4 दिन इंतजार किया है, पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। दी पुलिस में शिकायत दी, पुलिस वाले को शिकायत दी है जी, पुलिस वाले कह रहे हैं इसमें आपके, हम क्या मदद कर सकते हैं? क्यों आपने बोला नहीं कि मैंने बैंक की, मैंने बोला था जी मैं बैंक में सीसीटीवी फुटेज है, तूने पैसे किया तू भुगतना, हम क्या देख सकते हैं इसमें, पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं जी मेरे को। देखिए हाँ ये जरूर है कि थोड़ी सी आपकी ओर से भी नज़रअंदाजी रही है, आप भी थोड़ा न्यूज़ देखा कीजिए किस तरीके से आजकल साइबर ठगी हो रही है। लेकिन पुलिस को तो देखिए बढ़ चढ़ के मदद करनी ही चाहिए, साइबर थाना है इसलिए कि साइबर फ्रॉड में जो लोग उससे पीड़ित हैं उनकी मदद की जाए। तो यहाँ पे ये है, इनके साथ भी 25,000 की ठगी हो चुकी है, हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो शातिर ठग होते हैं ना, इनको आदत होती है, ये बहुत सारे लोगों को शिकार बनाते हैं। उन्होंने फ़ोन भी उठाया, एक तो बहुत गंदे लहजे में बात करते हैं, कुछ तमीज़ नहीं होती इनको बात करने की, और फिर उसके बाद दूसरी बात जो है ये बोलते हैं हमने तो पेमेंट कर दी है, प्रूफ मांगो, तो इनके पास कोई प्रूफ होता नहीं है। और फिर उसने आगे इसे ये भी बोला ले लो पुलिस की मदद, जिसकी मदद लेनी है ले लो, मैं तो नहीं आता, मैं तो बहुत दूर हूँ, मतलब ये सब बातें। तो मुझे लगता है इन लोगों की कम से कम जो इतनी अक्कड़ होती है ना, थोड़ा वो ठीक करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी पहुँचाइए, वायरल भी कीजिए, और ऐसे लोगों के हौसले भी बुलंद होते हैं, ये बच के निकल जाते हैं। तो आप भी पुलिस में जाइए, पुलिस प्रशासन से भी इतनी अपील रहेगी कि इनकी बढ़ चढ़ के मदद हो, व्यक्ति फ़ोन उठा रहे उस तक पहुँचा जाए, और मुझे लगता है यहाँ की सीसीटीवी भी होगी वहाँ से भी व्यक्ति की पहचान जो है इजीली हो पाएगी। तो जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, 25,000 शायद आपके लिए उतनी बड़ी रकम ना हो, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार जो कि जिस तरीके से अपने लिए पैसे जोड़ जोड़ के कमाते हैं, वो ड्राइविंग करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी रकम होगी। एक बार बैंक वालों से पता कर लो, वो दे ही नहीं रहे ना दिखा रहे, अभी इसका तो नहीं है। जैसे पुलिस वाले हैं जी मैडम, पुलिस वाले आए, कोई भी बंदा आया बैंक के बाहर आया है, तो उसकी कोई बाइक पे भी आया होगा वो, या तो बाइक पे आया होगा जी वो, या कैमरे लगे हुए जी, अंदर भी गए होगा, अंदर भी उसकी रिकॉर्डिंग है कैमरे की। मतलब पुलिस करने को क्या नहीं कर सकती है जी, हर चीज कर सकती है पुलिस, में गाड़ी का नंबर चलान काट देती है जी ऑनलाइन, लेकिन उसको ये पता नहीं लगा सकता भाई ये कहाँ का रहने वाला बंदा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको पकड़ा जाए। थोड़ा सा ये भी है कि अब बैंक का एम्प्लॉय है वो, अकाउंटेंट मैम थी, अक्सर यहाँ पे आते होंगे पैसे डिपॉजिट करने,
तो जब उन मैम ने इनको बोल दिया कि कोई बात नहीं आप पैसे दे दो, तो एक इंसान को विश्वास हो गया, जैसे उन्होंने बोला कि बैंक का इम्प्लॉय है, बैंक का कर्मचारी, अगर वो हाँ बोल रहे हैं तो फिर तो मतलब सही होगा, विश्वास किया जा सकता है। फिर उस मैम ने बोला कि 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे शक ये भी होता है कि कुछ और बात तो नहीं है, कुछ मिले जुले तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और वो व्यक्ति भी मतलब कितने ऐंठ के बात कर रहा है, उसको भी कोई डर है नहीं पुलिस प्रशासन का जैसे वो बात कर रहा है। तो आप लोगों से इतनी अपील करूंगी इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, और पुलिस का ही ये देखिए फर्ज बनता है कि यहाँ पे आके कैमराज को खंगाला जाए, उस बंदे की जो फोटोज हैं वो निकलवाई जाए, उस व्यक्ति तक पहुँचा जाए, फोन वो उठा रहा है तो उससे बात की जाए, लोकेशन ट्रैक की जाए, उससे बात हो और पता चले उसने आखिर किया क्या, और वो कितनी बार ऐसी ठगियों को अंजाम दे चुका है। ऐसे लोगों के मन में पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनको मीडिया का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, उनको किसी का डर नहीं है। तो ये डर बिठाने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, और साइबर थाने की जो पुलिस है वही इसमें आगे बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर सकती है। तो इनकी मदद नहीं हो पा रही है, इनकी मदद की गुहार यहाँ पे जो है हम भी लगा रहे हैं, और बाकी आप वीडियो को आगे पहुँचाएंगे तो इनकी मदद जल्द से जल्द जो है हो पाएगी। लेकिन आप चौकन्ने रहिए, आप किसी की बातों में मत आइए, हो सकता है आप जिस बैंक में भी जाते हैं वहाँ पर भी आप ट्रस्ट करने से पहले 4 बार सोचा कीजिए, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, आपको नहीं पता सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप ही जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, आप ही अपनी सुरक्षा अपनी सावधानी बरतेंगे, तभी आप बच सकते हैं इस तरीके के साइबर ठगों से। भवन आरंग करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।